लोग आते हैं ऑडिशन देने, हमेशा बहुत कठिन गाने चुनते हैं जिसमें बहुत मतलब कर्तव्य जो होते हैं ना आवाज के, वो दिखाने का मौका मिले। आपने बिल्कुल ऑपोजिट किया, आपने अपनी आवाज की जो मिठास है उसको हीरो बनाया इस कहानी की। एक मासूमियत है आपकी आवाज में, वो मासूमियत आज के जमाने में ना सुनने को देखने को कम मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर जब आई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम राजश्री परिवार का इतना बड़ा गाना गाओगी। जो संस्कार है वो आपकी फैमिली में है, और तुमने जो पहला नोट लगाया और जो सुर में तुमने गाया, दिल दीवाना, हमारे सुरों की श्रुतियाँ जो बोल रही थी कि कण डिविनिटी से भरपूर, और सबसे बड़ी बात थी कि ये पगला है, ये जो लाइन है वो लता जी ने एवरी टाइम इतना ग्रेट गाया है कि उनके आसपास जाना तो नामुमकिन है, लेकिन तुमने वो ये पगला पगला पगला, ये पगला। मैं जेन्युइनली आपका ये परफॉर्मेंस सूरज जी को 100% भेजने वाला हूँ। और ये पिक्चर के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, हम ट्रायल देखने गए थे ये फिल्म का, वो जो फीलिंग उस ट्रायल में मुझे थी कि यार ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, और वही हुआ ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तुम्हारे सिंगिंग के बाद मुझे लगा है कि तुम्हारी करियर बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और तुम बहुत बरकत करोगी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, गाती भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, प्लीज आइए, हम तीनों की तरफ से हाँ है, और गोल्डन टिकट ले जाइए। Yeah!